अचानक से। क्या हुआ नन्या? देखिए ना पानी परी, हम जैसे इस हमशक्ल के पास पहुंचने लगे उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। इसका क्या मतलब हो सकता है नन्या? इसका मतलब तो हमें इसके सिग्नल फॉलो करके ही पता चलेगा। ठीक है तो चलो जल्दी। हेलो हेलो जल्दी हेलो, उभरो उभरो भाई उभरो। अरे आंटी, अरे अरे बस रोक, अरे भाई बस रुको, अरे भाई बस रुको भाई, अरे बस, अरे, अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे अरे मरना है का? अरे पर अरे दो मिनट रुकिए, दूसरी बस आएगा उसमें चढ़ जाइएगा। अरे पर हमें बस में नहीं चढ़ना है ना, अरे हमें तो बहुत बस रोकना है। अरे यार बकया भी किया जा रहा है। अरे अगर ये बस हाईवे पर चढ़ गई तो हम पर सुसांटी को कभी नहीं लौटा पाएंगे। काश हमारे पास भी बजरंग बली जैसी शक्ति होती तो हम भी उड़ के बस उन तक पहुंचा दिए होते। अरे बस रोको। डायरेक्शन चेंज कर दी उस तरफ। अरे ये पर्स तो मैं वेडिंग प्लानिंग वालों के यहाँ भुलाई थी। अरे हाँ, चलती बस में अंदर किसने फेंका? ये जो कोई भी था, भगवान उसका भला करे। नन्या, हम उस हमशक्ल के काफी करीब हैं। आखिर उसे पहचानना अब मुश्किल नहीं होगा। राइट, हम सब लोगों को अलग अलग डायरेक्शन में जाके उसे ढूंढना चाहिए। हाँ, हमें देवू के हमशक्ल को बचाना होगा इससे पहले कि काल उसे लेने आए। मिलते ही मार देता है चौका। यहाँ पर कितनी ठंड है। अरे अरे सुनिए तो, अरे महामहिम काल, इतने बड़े ब्रह्मांड में कहाँ मिलेगा आपका वो हमशक्ल? और वैसे वैसे भी आपका वो वाहन काजो भी नहीं आपके साथ। ओ, अच्छा। अरे वाह, जिनका सामान था उन तक पहुंचा दिया हमने। शाबाश हैप्पी, शाबाश। जिस बस के 5 किलोमीटर पीछे भाग रहे थे उस बस को क्रॉस करके हम उनका पर्स लौटा दिए। अरे कमाल कर दिया हैप्पी, पर कैसे? उठो उठो रुको। अरे अरे वो लाल चौक वाले हनुमान मंदिर ले चलो, चलो जल्दी।
जुबान जम जाएगी। मामाइम, अरे कहाँ मिलेगा आपका हम शक्कर? काल को खत्म करने के लिए तुम्हें बाल परी की मदद के अलावा एक और वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी। एक ऐसी वस्तु जिसमें श्वेत और स्वर्ण शौर्य की शक्तियां मिली हुई होंगी। सातों ब्रह्मांड में से सबसे शक्तिशाली शस्त्रों में से एक। लेकिन ध्यान रखना विवान, इस अखंड धनुष का प्रयोग तुम केवल एक बार कर सकते हो। इसलिए तुम्हारा निशाना चूकना नहीं चाहिए। और इस धनुष को चलाने की एक और शर्त है। क्या शर्त? तुम्हें यह धनुष उसी पल चलाना होगा जब इसके तीर की नोक पर ये ध्रुव तारा चमकेगा। ध्रुवतारा हर ब्रह्मांड में भटके हुए को रास्ता दिखाता है और वही इस अखंड धनुष को भी काल की दिशा में भेजेगा। ठीक है शौर्य, मैं इन सारी बातों का ध्यान रखूंगा। बस 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 रुक जाइए गुड्डू भैया। धन्यवाद धन्यवाद है। अरे अरे किशनलाल जी, अब चल के कहाँ इतनी मेहनत करके जाएंगे? अब ऑटो में जाइए, ऑटो में पैसा पैसा हम दे देंगे। आइए आइए आराम से नीचे रख दीजिए। अब्बा हाँ गुड्डू भैया, इनको घर छोड़ दियो हैं। अरे ये लो भैया आपका सिलेंडर है। बबलू भैया आप? अरे डिम्पल भाभी फोन किए थे हमें। हाँ बाल परी को शौर्य ने द्राक लोक में बुला लिया है जिसके कारण हम शक्ति खोज यंत्र को अब ठीक नहीं कर पाएंगे। लेकिन बिना यंत्र के हम देवों की हमशक्ल को कैसे ढूंढेंगे? हमारे पास यंत्र नहीं है तो क्या हुआ? बालवीर का चेहरा और उस हमशक्ल का चेहरा तो एक ही है, तो क्यों ना हम उसकी तस्वीर दिखाकर उसे ढूंढे। ठीक कह रही वायु परी। अरे वो शर्मा जी का बेटा है ना लालू, उसका शादी हो जाएगा एक साल में। हम ही सब फिक्स करवाए हैं, तो आप भी कर लीजिए जल्दी से जल्दी, कह रहे हैं हम। ठीक है जब भी मन बनाएंगे आपको ही कॉन्ट्रैक्ट देंगे। ठीक है देखते हैं आपका मन कब मानता है। चलिए मिलते हैं। चलो चलते हैं, मिलते हैं। जोर लगा के भैया, जोर लगा के भैया, जोर लगा के भैया, जोर लगा के। अरे कितना जोर लगवाओगे? अरे भाई अब हमसे नहीं होगा, अब गाड़ी खींचने वाली मशीन को बुला लो, अब हम जा रहे। चलो भाई लोग, चलो चलो भाई। अरे अरे एक पर बात तो सुन। अरे भाई बात तो सुनो। अरे बात तो सुनिए जरा। जय हुई ना पार। ट्रक को धक्का मारने के दिल में बड़ी चुलबुलाहट हो रही है। देखे तो सही हमारे अंदर सच में ताकत है भी कि नहीं। एक काम करते हैं, कदमों को फैसला करने देते हैं। धक्का मारे ना मारे, धक्का मारे ना मारे। अरे पैर तो ना बोल रहे हैं, समय व्यर्थ करते हैं। चलो अरे नहीं है हैप्पी। आज तक हम अपनी दिल की बात माने तो आज पैरों की बात कहे मानेंगे हैं? चुप बैठा, हम तो इस ट्रक को धक्का जरूर मारेंगे।
हमने तो पूरा ट्रक हिला दिया। आ गया जय मित्रंगमली। मेरा ट्रक गड्ढे से बाहर कैसे आ गया? हम लाए हैं हैप्पी पांडे। क्या मजाक कर रहे हो यार, थोड़ी देर पहले 10 से 12 लोग ट्रक को धक्का देकर बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, ट्रक हिली भी नहीं, और तुम बोल रहे हो कि तुमने अकेले ने ट्रक को धक्का मार के ट्रक बाहर निकाल दिया। अरे भाई हंस का रहे हो, हम अभी करके दिखाते हैं। दिखाइए। अरे क्या हुआ पहलवान, बोलती बंद हो गई? क्या भगवान जी, अब इसके सामने हमारी इज्जत का तेल निकाल ली। कभी ताकत आ जाती है, कभी चली जाती है, अब जाते कहाँ है आप? हैप्पी हैप्पी। चलो हैप्पी। तुरंत शौर्य को सूचना देनी होगी। आपके वाहन के सामने यमराज का वाहन भी फीका पड़ जाए। मार सकते, वो द्राक लोग की पवित्र ऊर्जा से बना है, इसलिए उसे मारना गलत होगा। लेकिन बालपरी, ये ड्रैगन काल की मदद कर रहा है, क्योंकि काल ने उसे अपने वश में कर लिया है। तुम बात को समझने की कोशिश करो वेवान, काजो हमारा दुश्मन नहीं है। तुम अपना निशाना सिर्फ काल पर लगाओ। जल्दी से से बादलों के पीछे छिप गया है, अब निशाना लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। सात दिन
बाद मिलते हैं। अब आप ही बताइए 7 दिन में 1,20,000 रुपए कहां से लौटाएंगे? हमारी बात को दिल से लगा लिएगा हैप्पी? नहीं भैया, जबां पे ना है पर हमको पता है, हम जब भी तुम्हें डांटते हैं तुम बिना तेल के दिए की तरह बुझ जाते हो। ऐसा एक बात बताएं, गोल्डी के पैर पे अगर तुम वो सिलेंडर ना पटकते ना तो ये सब ना होता। जानबूझकर थोड़ी ना किए थे भैया। वही तो मुश्किल है ना हैप्पी, तुम जानबूझकर कुछ नहीं करते, गलती से बहुत मिस्टेक हो जाता है तुमसे। अब ठीक है, जाने दो, तुम्हारा नाम हैप्पी है, यूं मुंह फुला के ना बैठो। हम जानते हैं आप जो भी बोलते हैं हमारे भले के लिए ही बोलते हैं, लेकिन अभी तो हमें उस बात का टेंशन है कि हम गोल्डी को इतने सारे पैसे इतने कम टाइम में कैसे चुकाएंगे। हैप्पी, तुम वो बात का चिंता मत करो। जल्दी से इसकी गर्दन उड़ाइए महामहिम। उसके बाद बुराई के जंगल में आपके जो 4 हमशक्ल घूम रहे हैं उन्हें भी मारना है। देर करने से क्या फायदा? इंतजार, मौका इंतजार। लेकिन महामहिम और कौन आने वाला है? आ गए, जिनका इंतजार था वो आ गए। और वो लोग भी तुझे मरता हुआ अपनी आंखों से देखेंगे। और मुझे बड़ा मजा आएगा। इसलिए काल चारों तरफ ये फॉग फैला रहा। लेकिन विवान तुम चिंता मत करो, एक पल की भी देरी मत करो और इस तीर को चलाओ इससे पहले कि हम उस काल को पकड़ने से फिर से चूक जाए। चलो।
अरे आप लोग कहाँ हैं मैं चादर उठाने के चक्कर में लगे अरे 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 क्या अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों हमको कहाँ पकड़ रहे हो सॉरी माजी तो हैप्पी भैया हाथ मेरे को पकड़ो भैया अरे पकड़ लिया अरे आप सब काहे नहीं समझ रहे हैं हमें जाने दीजिए ना आप काहे नहीं जाने दे रहे ताकि तुम्हारे दिमाग से ट्रक उठाने का भूत उतर जाए पकड़ो नहीं पार पकड़ लिया भैया हैप्पी हम बार बार तुमको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और तुम हो कि नीचे से गिड़क के निकल जा रहे हो अरे गिड़क ही लेंगे ना भैया जी पूरे शहर में कबड्डी के चैंपियन ठहरे हम फिर हैं कबड्डी चैंपियन होना ना और बात है लल्ला पर इस तरह जाकर कोई ट्रक को उठाना तो पागलपन है आज इसकी उंगली भी टूटेगी और इसकी होगी इज्जत भी खराब क्योंकि ये हारेगा हारेगा भैया इसको टायर हो गया फूस पापी 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 होगा होगा काहे नहीं होगा है भैया हवा निकल गई हवा करते हैं करते हैं अब किसी भी पल ये शक्ति मुझ में समा जाएगी और शक्तिशाली बन जाऊंगा विवान इस तारे को रोकने की कोशिश करते हैं अब इस तारे को काल के शरीर के अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता आजा 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 हैप्पी 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 For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.